जी मेरे दो सवाल। हाँ जी, पहला सवाल तो ये है कि एज ए डायरेक्टर आई एंड अप डीलिंग विद पीपल रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑल दिस इश्यूज और स्टूडेंट्स के साथ भी ना, मेरा एक मानना है कि अभी जो जनरेशन्स आ रही हैं सब्सिक्वेंटली उनमें पेशेंस एंड वेट फॉर रिवार्ड ख़त्म हो रहा है। मेरे कुलीग मेरे पास आते हैं, मैंने बहुत काम किया, इसको भी एक इंक्रीमेंट, मेरे को भी एक इंक्रीमेंट, ऐसा क्यों? डे इन डे आउट मैं बहुत काम करता हूँ, वो दूसरा काम करता है। मेरा प्रयास ये रहता है उनको करने का कि भाई काम सब करते हैं, आपका देखने का नज़रिया, आपका एवरीबॉडी सेज दैट, बट एक इम्पेशेंस यंग कुलीग्स में और स्टाफ में और स्टूडेंट्स में बढ़ती जा रही है। हम कहते जरूर हैं पर असर थोड़ी देर होता है, बाद में देखो बैक टू सेम ट्रैक, हाउ टू डील विद इट, क्वेश्चन वेरी सिंपल। पहली बात कि कोई भी दुनिया का अगर हम काम करें उसको हम गुरबानी में सीखते हैं, काहू फल की इच्छा नहीं बाछा। कोई भी काम करने के बाद उसकी रिवार्ड की इच्छा होगी तो मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि काम मैंने किया उसको रिवार्ड देने वाले की अकल अपनी है, सिस्टम उसके पास किसी और का है। सिस्टम और अपनी अकल यूज़ करके वो मेरे को उस तरह तोल ही नहीं रहा जितना मैं अपने आप को रिवार्ड देने के बारे में सोच रहा हूँ, तो वन विल बी इन ट्रबल। इसलिए हम कोई भी काम करेंगे रिवार्ड लेने के चक्कर में करेंगे तो टेंशन बनी रहेगी, जिसको सुपरफ्लुअस स्ट्रेस बोलते हैं, वो स्ट्रेस आ जाएगा, तो हम रिवार्ड नहीं लेंगे। अब बात शुरू होती है कि मुझे ट्रबल होती क्यों है जब दूसरे को रिवार्ड दिया जाता है, राइट? ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ना, तकलीफ ज़्यादा। हमको प्रॉब्लम ही तब होती है जो दूसरों के, मेरे दुखों से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों के सुखों से मुझे प्रॉब्लम है। मैं दूसरों के बर्तन में क्यों झांकता हूँ? मुझे अपना माइंड योर ओन बिजनेस करना चाहिए, दैट्स इट। अपना काम पैशनेटली करना है, अपना फ़र्ज पैशनेटली सिंसियरली निभाना है। दूसरे ने किया, उसने हेरा फेरी से या सिफारिश से रिवार्ड ले लिया, सो व्हाट। मैंने जो किया मुझे वो मिल गया। आप सब ने पिकासो सुना होगा, और पिकासो की पिक्चर वर्सेस व्हाट आई डू, आई विल शेयर दैट। पिकासो की पिक्चर बहुत महंगी बिकती है, लेकिन जिन दिनों में पिकासो बनाता था वो बिकती नहीं थी, और वो बहुत गरीब था, उसके खाने के लिए भी प्रॉब्लम बनी हुई थी, ब्रेड बटर की भी। तो पिकासो को उसका भाई देख के तरस खाता था, इसलिए उसके भाई ने किसी और इंसान को पैसे दिए, तुम जाओ और पिकासो को बोलो तुम अपनी पेंटिंग्स दिखाओ, उसकी पेंटिंग्स में से किसी भी पेंटिंग को देख के बोलना इसके मैं इतने हज़ार रुपये देता हूँ, तुम ये पेंटिंग मुझे दे दो। तो उसने पिकासो से बोला ये पेंटिंग कितने की है? पिकासो बोला मेरी पेंटिंग बिकने के लिए नहीं है। अब उसने बताया नहीं कि तुम्हारे भाई ने मुझे पैसे दिए हुए हैं तुमको देने के लिए। उसने उससे पूछा अगर तुमने बेचनी नहीं है तो अपनी पेंटिंग बनाते क्यों? पिकासो सेड मैं बेचने के लिए बनाता ही नहीं। जो भी क्रिकेटर अगर खेलने के लिए खेलता है तो वो अंडरवर्ल्ड की मनी से बेट लगा के नहीं खेलेगा, खेलने के लिए खेलता हूँ। ऐसे ही मुझे न्यूयॉर्क में एक बच्चे ने पूछा आप इंजीनियर हैं और आप अपना ब्रेड बटर कमा सकते हैं, लेकिन इसको सब कुछ छोड़ के आप अपने प्रोग्राम करने के चार्जेस बिल्कुल नहीं लेते हैं, तो आपको वर्ल्ड वाइड ये करने से क्या मिलता है? तो मैंने उसे बोला आई एम वेरी रिच मैन। रिच मैन की डेफिनेशन पता है क्या है? जो तुम्हारे पास है तुम वो दूसरों को दो और उसके चार्जेस ना लो। तो मैं अपनी नॉलेज, अपना प्यार, अपना वजूद, अपनी आत्मा, अपना वार्मथ लोगों से बांटता हूँ और उसके चार्जेस नहीं लेता हूँ। उस बच्चे को मैंने 10th ग्रेड वाले बच्चे को जवाब दिया, तो इसको करने में मुझे मज़ा आता है। अब जब कर रहे हैं दूसरों के साथ तो कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हैं कि मेरी तरह अगर कोई और कर रहा है तो उसका नाम ज़्यादा क्यों है, उसके चेले ज़्यादा क्यों हैं, उसको फॉलोइंग ज़्यादा क्यों है, उसके लोग उसको मानते ज़्यादा क्यों हैं, ये चक्कर ही नहीं है। तो अगर हम ऐसे जीने लगें जैसे पिकासो अपनी पेंटिंग करने के लिए करता है, बेचने के लिए नहीं करता है। तो आप कर सकते हैं कि मैंने अपना काम पैशन से किया, इसका रिवार्ड मिला या नहीं, मैं रिवार्ड लेने नहीं आया था, अपना काम करने आया था। थैंक यू वीर जी। दूसरा एक कन्फेशन है, फिर मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ कि मैंने गलत किया या सही किया। ये बात है 91-95 की, जब मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था तो वीकेंड पे मैं अपने कॉलेज में मॉर्निंग में रिसेप्शन डेस्क मैनेज करता था। वीकडेज पे तो रिसेप्शन का स्टाफ आता था, वीकेंड पे स्टूडेंट मैनेज करते थे। तो मैं 8:30 बजे मेरे को काम शुरू करना होता था, तो सर्दी गर्मी सैटरडे संडे मेरी ड्यूटी होती थी। आई यूज टू गेट एडिशनल मनी फॉर दैट, फॉर माई सबसिस्टेंस। तो एक दिन हम, मेरे प्रोफेसर की वाइफ जो न्यूजीलैंडर थी, तो ऑक्सफोर्ड से 15 किलोमीटर दूर रहती है, उसका घर है, तो कहती मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मैं हर संडे को चाहे बर्फ़ पड़ रही हो कुछ भी हो मैं अपने चर्च में जाती हूँ। तो मैंने कहा एलिजाबेथ मैं भी उतना ही रिलीजियस हूँ, मैं हर सैटरडे और संडे को सुबह 8:15 बजे अपनी 8:30 की ड्यूटी के लिए साइकिल पे पहुँच जाता हूँ अपने कॉलेज। वो कहती हाउ कैन यू इक्वेट बोथ ऑफ देम, आई से फॉर मी दे आर इक्वली होली। अब बताइए मैं गलत था या कन्फेशन, ऑनेस्ट कन्फेशन, मैंने आज तक कन्फेस नहीं किया। वेरी नाइस। तो मेरे को बताइए मैं गलत था या सही था? आप सही थे, क्योंकि वर्क इज़ वर्शिप। अगर मैं अपने काम को पैशन से करता हूँ तो ये वर्शिप है। अगर मैं अपने काम को हाफ हार्टेडली करता हूँ, और उसको बोलते हैं बद्दा चट्टी जो परे ना गुण ना उपकार, बद्दा चट्टी करता हूँ, टाइम निकालने के लिए करता हूँ, दूसरों को दिखाने के लिए करता हूँ, तो मैं उसको पैशन से नहीं करूँगा। और जब हम किसी काम को सिंसियरली उसमें पूरी तरह खूब के करते हैं तो इसको भक्ति बोलते हैं, इसको वर्शिप बोलते हैं। लोग मंदिर मस्जिद में जाके, गुरुद्वारे में जाके भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं मन कर कभू ना हर गुण गायो। मैंने दुनिया को दिखाने के लिए प्रेजेंस यहाँ पर की धार्मिक स्थान पर अगर मैं अपने काम को पैशन से करूँ, अपने फ़र्ज़ को पैशन से निभाऊँ, तो ये भगवान की प्रेजेंस में मेरी वर्शिप है।